पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार संघर्ष और कठिनाई सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज के किसी कारणवश मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई, सो मैंने सोचा कि आज घर पर ही हम हमारी पढ़ाई जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। सो घर पर हैं तो अपनी मम्मा की हेल्प कर दी मैंने थोड़ी। सुबह उठते से ही सबसे पहले मैंने सोचा कि झाड़ू ही कर लेते हैं सबसे पहले, तो मैंने आज पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाला एंड उसके बाद पोछा लगा दिया एंड देन वी आर बैक टू अवर स्टडीज। सो मौसम काफ़ी अच्छा है एज़ यू कैन सी इन द विंडो। सो इसी मौसम को इंजॉय करते हुए हम हमारी आज स्टडी को भी इंजॉय करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि कितनी टेबल हमारी मेसी हो रखी है। सो फर्स्टली वी हैव टू क्लीन दिस। तो सबसे पहले मैंने बुक को कवर बंद करके उनको अच्छे से अपनी अपनी जगह प्लेस कर दिया एंड अभी मैं थोड़ी दिन से घर पर पढ़ाई नहीं कर रही थी, लाइब्रेरी में ही जाकर पढ़ाई कर रही थी। सो टेबल पर काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी, सो उसको अच्छे से क्लीन किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टडी। सो फर्स्टली आई हैव टू क्लीन द टेबल एंड उसके बाद मैं नहा कर जल्दी से आ गई हूँ एंड ये मैं धूप में कर रही थी कि यस वी आर रेडी। सो मैं अब बैक टू स्टडीज आ चुकी हूँ, नाउ वी आर ऑन अ टेबल। सो आई एम विशिंग यू हेलो हेलो हेलो। सो लेट्स बिगिन आवर स्टडी रूटीन। सो फर्स्टली वी हैव टू मेक अवर टू डू लिस्ट, बिकॉज टू डू लिस्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता रहता है कि हमने कल क्या पढ़ा था एंड हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं एंड हमने प्रीवियसली कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। सो लेट्स मेक अ टू डू लिस्ट। सो मैंने धूप में रखकर अपना एस्थेटिक वाइब वाला मैंने सोचा कि बनाते हैं वीडियो। सो इंग्लिश मैथ रीजनिंग एंड GS करने वाले हैं, जिसमें से हम इंग्लिश में करेंगे आज वर्ब, जो कि हमने पहले भी कवर कर लिया था, एंड idioms जो मैंने कल किए थे उसका आज बस मैं स्लाइटली उसको देखूंगी एंड बस ठीक है हो जाएगा। नाउ मैथ में हम करेंगे परसेंटेज, रीजनिंग में हम करेंगे आज कोडिंग एंड GS में आज हम करने वाले हैं फल्ट मैथ। सो लेट्स बिगिन अवर वर्क। सो आप सभी का थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो एंड हमारे चैनल पर आज ही हिट हुए हैं 4000 सब्सक्राइबर्स। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर। सो मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज ही हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो बैक टू स्टडी, सबसे पहले हम कर रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमें कवर करने पड़ते हैं और क्योंकि वो बार बार ही भुला जाते हैं। सो इंग्लिश का सेशन लगाने के बाद लेट्स बिगिन अवर रीजनिंग सेशन, जो कि हम करने वाले कोडिंग डिकोडिंग एंड ये राकेश यादव सर की बुक है जो करियर विल पे सर का जो ऐप है एंड मैंने ये बुक ऑफलाइन मार्केट से ली थी। यू कैन परचेज फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन इफ़ यू वॉन्ट टू। नाउ लेट्स बिगिन अवर सेकेंड स्टडी स्लॉट। सो कुछ तो क्लासेस सर की ना इस पे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है एंड करियरविल पे भी। सो मैं उनको देख रही थी कि कैसे कैसे क्या सिलेबस हैं एंड वेन डायग्राम के बारे में बता रहे थे सर की कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड उसके बाद धीरे धीरे करके स्लोट्स बताए सर ने। सो अब हम खाना खाने वाले हैं, जो खीस खाना खाने के बाद वीडियो का एंड करते हैं। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।